जांचपुर थाना क्षेत्र में अल सुबह चामुंडा चौराहे से होकर गुजर रहे अवैध बजरी के ट्रैक्टरों को नागदी चौराहों पर शमशान घाट के पास जब्त किया गया। थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया तथा थाने में व माइनिंग विभाग को सूचना दी। राजस्थान सरकार के रोको टोको अभियान में पुराना बस स्टैंड पर जोन 5 के समन्वयक सांवर मलोजा, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नारायणीवाल, नगर परिषद सब इंस्पेक्टर शिवचरण गावरी, जमादार गोपाल मारू, नटवर शुभम चंडालिया, चूरिया मुरिया सेवा संस्थान के अध्यक्ष हेमलता अगवानी, जोरावरपुरा के प्रिंसिपल रमेश चंद्र अगवानी आदि कार्यकर्ताओं ने आने जाने वाले लोगों को रोककर कोविड-19 के तहत मास्क लगाना वे 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए समझाया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारतीय संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिस पर शांति संदेश मंच द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया। विरोध प्रकट करने वालों ने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हम उसका विरोध करते हैं, साथ ही हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अधिकारों की लड़ाई हमारे संविधान के अधिकार में है, मगर इस तरह महापुरुषों की प्रतिमा को खंडित करना सरासर गलत है। शांति संदेश मंच के संस्थापक राजू केसर सिंह चन्नाल ने इस घटना का पुरजोर विरोध प्रकट कर कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रदर्शनकारी संकल्प लेकर प्रदर्शन करें। इस तरह की घटना करने से हमारे भारत देश की काफी बदनामी होती है तथा भारत देश का नाम खराब होता है। विरोध प्रकट करने वालों में पूर्व पार्षद बाबूलाल पंडित, कमल कुचबंदा, अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा, आनंद चन्नाल, राकेश कुमार, श्याम कीर आदि उपस्थित थे।